Hello students, welcome to MathMatry YouTube channel by Vivek V. Mishra. Students, आज हम पढ़ रहे हैं NCERT Grade 10 का Chapter Number 1 Real Number. So इसमें हम पढ़ने वाले हैं Concept of Real Number, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे Rational Number, Irrational Numbers के बारे में. तो चलिए start करते हैं हम Real Number Chapter. तो अभी तक आपने Numbers को पढ़ा हुआ है दो Category में. Actually आपने Real Number पहले भी सुना हुआ है, लेकिन अगर नंबर की मैं बात करूं तो नंबर को हम दो कैटेगरी में स्प्लिट कर सकते हैं. एक तो रियल नंबर है और दूसरा इमेजिनरी नंबर. इसे आप ग्रेड 11 में पढ़ने वाले हैं. तो आज तक आपने जो भी नंबर्स पढ़े हैं वो सभी रियल नंबर्स हैं. अब रियल नंबर्स जो हैं ये ब्रॉडली क्लासिफाई किए गए हैं दो कैटेगरी में. एक है रैशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर. अब इरेशनल नंबर पे चले पहले देख लेते हैं. तो इरेशनल नंबर मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स. सो इरेशनल मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि टर्मिनेट नहीं होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. इसमें टर्म्स रिपीट भी नहीं होंगे. जिसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, पाई, ई, ये सब इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं. या तो मैं ऐसे लिख लूँ 0.110 1100 1100 1100 ... ये सभी क्या हैं, ये सभी इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं. अब इसके बाद आता है रियल नंबर, जिसका दो कैटेगरी है, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर हमने समझ लिया, चलिए देखते हैं रैशनल नंबर क्या है. सो रैशनल नंबर जो है any number of form p by q where q is not equal to 0, उसे मैं कह सकता हूं कि वो रैशनल नंबर है. अब रैशनल नंबर की अलग अलग कैटेगरी है. रैशनल नंबर में सबसे पहले आता है इंटीजर. इंटीजर क्या होता है, एनी नंबर विच कैनॉट बी रिटन इन द डेसिमल फॉर्म. जैसे कि -3 -2 1 0, जो भी है 3 4 5, ये सभी इंटीजर्स की कैटेगरी है. फिर उसके बाद आता है होल नंबर. होल नंबर मतलब ऐसे नंबर्स जो कि जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, ये सब नंबर्स होल नंबर की कैटेगरी में आते हैं. उसके बाद आता है नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर मतलब नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 एंड सो ऑन. तो ये तो हो गया कुछ बेसिक अबाउट रियल नंबर. इसके बाद चलिए हम अपने फर्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं. तो हमारा आज का पहला टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है इसका एल्गोरिदम है, जिसे हम यूज करते हैं टू फाइंड एचसीएफ बिटवीन टू नंबर्स. जैसे यहाँ पे दिया है फाइंड एचसीएफ बिटवीन 135 एंड 225 यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम. तो क्या है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, आइए देखते हैं. ये हमने पहले भी सुना हुआ है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, जिसे मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बाई यूक्लिड्स डिविजन एल्गोरिदम फाइंड एच सी एफ ऑफ 135 एंड 225. सो लेट अस स्टार्ट. सो बाई यूक्लिड्स डिविजन एल्गोरिदम by Euclid's division algorithm या Euclid's division lemma, a is equals to bq plus r. अब यहाँ पे a जो है आपका dividend है और b जो है वो आपका divisor है. quotient और remainder हमें नहीं पता है, तो quotient और remainder पता करने के लिए हम long division perform करेंगे. so 135 जो है वो divide करेगा 225 को. सो 135 वन ज़ा 135, इसको जब आप सब्ट्रैक करेंगे तो आपको मिलेगा 90. अब रिमाइंडर आप देख सकते हैं 90 आया है, जो कि जीरो नहीं है. चलिए इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो 225 इज इक्वल्स टू 135 इंटू कोशन प्लस रिमाइंडर. सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो हमें लॉन्ग डिविजन कंटिन्यू रखना है.
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो आर इज इक्वल्स टू जीरो। तो अभी यहाँ पे रिमाइंडर जीरो नहीं आया है, डिवीजन कंटिन्यू रखेंगे। तो उसके लिए अब फिर से ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर लिख देंगे। अब इस बार मेरा 90 जो है बी हो जाएगा और ए जो है 135 हो जाएगा। तो 91 95, 5 माइनस जीरो हो जाएगा 5 और 13 माइनस 9 हो जाएगा 4। अब मैं देख सकता हूँ कि फिर से रिमाइंडर जीरो नहीं आया है। 135 इज इक्वल्स टू 90 इंटू 1 प्लस 45। सिंस आर इज नॉट इक्वल टू जीरो तो रिमाइंडर हम डिवीजन प्रोसेस कंटिन्यू रखेंगे अनलेस द रिमाइंडर बिकम्स जीरो। सो नाउ 45 विल डिवाइड 90। 45 टू जा 90 हो जाएगा और 90 माइनस 90 जीरो आ जाएगा। तो अब जाके रिमाइंडर हमें जीरो आ चुका है। सो ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ए है 90, बी है 45, कोशेंट टू, रिमाइंडर जीरो। सिंस आर इज इक्वल्स टू जीरो तो अब आर जीरो आ गया है। तो आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में जब रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, जब रिमाइंडर जीरो आ जाएगा तब आपका जो डिवाइजर होगा यही आपका एच सी एफ होगा। देयरफॉर एच सी एफ ऑफ 135 एंड 225 एंड 225 इज 45। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए स्टूडेंट्स मूव करते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन है एच सी एफ ऑफ 196 एंड 38220। आइए इसको सॉल्व करेंगे। 196 एंड 38220 तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे ये आपका ए है और ये छोटा वाला नंबर आपका बी है, मतलब ये डिविडेंड है और ये डिवाइजर। चलिए लॉन्ग डिवीजन स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास क्यू और आर की वैल्यू नहीं है, उसके लिए लॉन्ग डिवीजन करेंगे। सो 196 विल डिवाइड 38220। तो 196 वन जा 196, रिजल्टेंट आएगा 1862। टू आप ऊपर से ले लीजिए क्योंकि 186 जो है 196 से छोटा है, तो टू ऊपर से ले लेंगे। सो 196 नाइन जा आपको मिलेगा 1764। इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक करेंगे तो आपको मिलेगा 980। अब 196 196 फाइव जा आपको मिलेगा 980। सो अल्टीमेटली रिमाइंडर आ गया जीरो। तो यहां पे एक ही बार डिवीजन मैंने परफॉर्म किया और रिमाइंडर जीरो आ गया, तो मतलब आपको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सो नाउ ए इज इक्वल्स टू 38220 इज इक्वल्स टू 196 इंटू 195 प्लस रिमाइंडर जीरो। देयरफॉर क्योंकि रिमाइंडर जीरो आ गया तो मतलब एच सी एफ मिल चुका है। सो एच सी एफ ऑफ 196 एंड 38220 इज 196, जो उस टाइम पे आपका डिवाइजर रहेगा वही आपका एच सी एफ हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको सेकेंड क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। सो इफ देर इज एनी डाउट प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। हमें एच सी एफ फाइंड करना है 867 एंड 255 का, जिसके लिए मैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम लिख दूंगा सबसे पहले। सो बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ये आपका जो लार्जर नंबर है वो आपका
डिविडेंड का रोल प्ले करेगा, तो वो ए हो जाएगा, और जो स्मॉलर नंबर है वो बी हो जाएगा, यानी कि डिवाइजर हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे ए और बी की वैल्यू पता है, मतलब डिविडेंड और डिवाइजर पता है, क्वेश्चन रिमाइंडर नहीं पता है, तो उसके लिए हमें फिर से वही लॉन्ग डिविजन मेथड करना होगा। तो 255 जो है वो डिवाइड करेगा 867 को। सो 255 विल डिवाइड 867, तो 255 थ्री ज़ा हमें मिलेगा 765, जो कि जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो आएगा 102। इसको मैं ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर फॉर्म में लिख दूंगा। सो ए बी इंटू क्यू प्लस 102, एंड सिंस 102 इज एक्चुअली नॉट इक्वल टू 0, यानी कि रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है, देयरफॉर डिवीजन फर्दर प्रोसेस करना पड़ेगा। तो इस बार 102 डिवाइड करेगा 255 को, तो 102 टू ज़ा, 102 ज़ा होगा, 102 इंटू 2 हो जाएगा 204, और जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे मिलेगा 51। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है। सो बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, तो ए है 255, बी है 102, क्यू है 2 और आर है 51, एंड सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम इसको फिर से फर्दर प्रोसेस करेंगे डिवीजन। इस बार जो है 51 डिवाइड करेगा आपके पुराने डिवाइजर को, यानी कि 102 को, तो 51 टू ज़ा 102 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 0। तो बाय, अब आप देख सकते हैं कि हमें रिमाइंडर आ चुका है 0, और क्योंकि रिमाइंडर 0 आ चुका है तो फर्दर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। सो बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, तो ए कितना है, ए है आपका 102, बी है 51, क्यू है 2 और आर है 0। सिंस आर इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर आपको अब HCF मिल गया है, HCF ऑफ जो भी आपका क्वेश्चन था 867 एंड 255, 867 एंड 255 इज 51। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमें इसका HCF मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, तो अभी आप अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे तो सेकंड क्वेश्चन है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5, वेयर q इज सम इंटीजर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को आप इस तरह से लिख सकते हैं, 6q+1, 6q+3, इस फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं। तो सपोज मैं एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेता हूं, सपोज मैंने 19 ले लिया, तो क्या मैं 19 को इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं? हाँ, लिख सकता हूं, 6 × 3+1, मतलब 6q+1। तो इसी तरह से कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जैसे कि अगर मैं 21 ले लूं तो 6 × 3 जो कि हो जाएगा 18, 18 + 3 हो जाएगा 21, तो ये क्या हो गया, 6q+3। तो कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स को 6q+3, 6q+1, सिमिलरली 6q+5 इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हमें शो करना है। तो जब मैं अगर एक एग्जांपल लेता हूँ 19 और 21, तो ऑब्वियसली मैं इसको 6q+1 और 6q+3 फॉर्म में लिख पाया, तो ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लेके किया, पर जनरलाइज अगर मुझे कोई भी नंबर मिले तो उसे मैं कैसे प्रूव करूंगा कि ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास 6 करके एक नंबर है, तो यहां पे हम एज्यूम करेंगे कि हमारे पास a करके एक नंबर है जिसे 6 डिवाइड कर रहा है, ठीक है। सो लेट अस एज्यूम
लेट अस टेक ए एज एनी पॉजिटिव ऑड नंबर. अब इसको जो है एंड बी इक्वल टू सिक्स. तो जब सिक्स जो है ए को डिवाइड करेगा तो मुझे कुछ कोशेंट क्यू मिलेगा और रिमाइंडर आर मिलेगा. अब ये रिमाइंडर जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, फोर हो सकता है और फाइव. सिक्स नहीं हो सकता क्योंकि डिवाइजर से तो छोटा ही रिमाइंडर कभी भी आता है, मतलब डिवाइजर के इक्वल भी नहीं आ सकता ना. क्योंकि अगर मैं सिक्स वन जा सिक्स लेता हूँ यहाँ पे, मतलब ए अगर सपोज सिक्स है तो सिक्स वन जा सिक्स तो रिमाइंडर जीरो आएगा. वैसे अगर कोई और नंबर है तो रिमाइंडर छोटा आएगा, पर रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता. तो मतलब रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा होगा, यानी कि जीरो वन टू थ्री फोर फाइव के बीच का कोई नंबर होगा. अब इसको मैं लिख सकता हूँ. तो अभी अगर मैं इसमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम लगाऊं, सो बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम तो ए इज इक्वल्स टू पहले तो सिक्स क्यू प्लस जीरो मिलेगा, क्योंकि डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर. तो उस फॉर्मेट में ए इज इक्वल्स टू सिक्स क्यू प्लस जीरो हो जाएगा. या तो ए और क्या हो सकता है अगला, अगर मैं रिमाइंडर ले लूँ तो सिक्स क्यू प्लस वन, या तो ए इज इक्वल्स टू हो सकता है सिक्स क्यू प्लस टू, या तो ए इज इक्वल्स टू हो सकता है सिक्स क्यू प्लस थ्री, ए इज इक्वल्स टू सिक्स क्यू प्लस फोर और ए इज इक्वल्स टू सिक्स क्यू प्लस फाइव. अब इसमें से आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो कि एक्चुअली इवन नंबर्स दे रहे हैं और हमें ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की हुई है. तो वो इवन नंबर्स को मैं सेग्रीगेट कर दूंगा. जैसे मैं अगर देखूं तो यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू सिक्स क्यू प्लस जीरो जो है, नाउ ए इज इक्वल्स टू सिक्स क्यू प्लस जीरो कैन बी रिटन एज ए इज इक्वल्स टू टू इंटू सिक्स क्यू. और सिंस ये मल्टीपल है, सिंस इट इज मल्टीपल ऑफ टू, देयरफॉर इट्स इवन नंबर. क्योंकि मल्टीपल ऑफ टू है तो ये इवन नंबर होगा. सिमिलरली हमारे पास सिक्स क्यू प्लस टू भी है तो ए इज इक्वल्स टू सिक्स क्यू प्लस टू है. इसमें से मैं टू कॉमन ले सकता हूँ तो बचेगा थ्री क्यू प्लस वन. और ये भी क्या है, ये भी मल्टीपल ऑफ टू है, देयरफॉर इट इज इवन नंबर. अगर मैं सिक्स क्यू प्लस फोर लू तो सिक्स क्यू प्लस फोर अगर मैं लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, टू कॉमन मिल जाएगा तो बचेगा थ्री क्यू प्लस टू, इट्स ऑल्सो एन इवन नंबर बिकॉज इट इज मल्टीपल ऑफ टू. वॉट एवर नंबर वी आर हैविंग दैट इज मल्टीपल ऑफ टू, एंड इफ एनी नंबर इज मल्टीपल ऑफ टू देन दैट पर्टिकुलर नंबर बिकम्स एन इवन नंबर. So, ये सभी कॉम्बिनेशंस, इन छह कॉम्बिनेशंस में ये तीन कॉम्बिनेशंस मुझे इवन नंबर के कॉम्बिनेशन मिले. अब अगर आप बाकी आगे का देखेंगे तो कैसे कॉम्बिनेशंस है ऑड नंबर के, देयरफॉर एनी ऑड पॉजिटिव integer is of form 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5. ये हमारे क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया.